बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और यह विरोध प्रदर्शन बुंदेलखंड नव निर्माण सेना के द्वारा किया गया है। हमीरपुर जिले के मौदहा में प्रदर्शन किया गया। एसडीएम के माध्यम से रेल मंत्रालय को इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। बता दें कि इस ज्ञापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस बुंदेलियों की गौरव को प्रदर्शित करती है, ऐसे में नाम बदलना सर्वथा अनुचित है और इसे जल्द ही खारिज किया जाए। आपको बता दें, काशी और मध्य प्रदेश के ग्वालियर के मध्य चलने वाली ट्रेन बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम पिछले दिनों एक सांसद की पहल पर बदला जा रहा है, जहां इस ट्रेन का नाम अब पीताम्बरा एक्सप्रेस किया जाना प्रस्तावित है। और आपको यह भी बता दें कि रेलवे बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग चुकी है, जिसका क्रियान्वयन जल्द ही किया जा सकता है। और इसी वजह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलने को लेकर बुंदेलखंड के कई संगठनों में रोष व्याप्त है, जहां जगह जगह पर प्रदर्शन करके इस प्रस्ताव को रोकने की मांग की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय तिवारी है, बुंदेलखंड नव निर्माण सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो क्या मामला, आज किस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं आप? देखिए, बुंदेलखंड जो सौर और पराक्रम के लिए जाना जाता है, बुंदेलखंडी की जो भूमि है वो बुंदेलखंड सौर और पराक्रम के लिए जानी जाती है। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन का नाम जो परिवर्तन, भिंड की जो सांसद हैं संध्या सुमन जी, जिन्होंने प्रस्ताव पारित करवाया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस का ट्रेन का नाम बदलकर हम लोग पीताम्बरा एक्सप्रेस कर दें, तो हम सब पूरे बुंदेलखंडवासी इस बात से पूरी तरह से रोष में हैं कि आप बताइए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलने की क्या आवश्यकता आपको पड़ी है? पीताम्बरा एक्सप्रेस ट्रेन आप नई क्यों नहीं चालू करवा देते हैं? बुंदेलखंड का नाम के लिए आपने कुछ किया नहीं आज तक, और बुंदेलखंड के नाम परिवर्तन के आप काम कर रहे हैं, ये पूरे बुंदेलखंड में आवाज़ उठ रही है। यदि बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम यदि चेंज किया गया तो सड़कों पर पूरे बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नव निर्माण सेना का एक एक सिपाही सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करेगा। यदि बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन का और हमारी आज के ज्ञापन की यदि मांग मान ली जाती है तो ठीक है, नहीं बुंदेलखंड के नाम के साथ यदि किसी ने छेड़छाड़ की तो हम बुंदेलखंडवासी सहन नहीं करेंगे। अंतिम क्षण तक हम लोग आंदोलन और मरते दम तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे।